तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को सेलिंग का मार्क आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ दिखाएंगे और कितने इंच पर क्या आपको लगाना है पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। चलिए आप लोगों को हम नाप के दिखाते हैं कि कितने इंच पर आप लोगों को क्या करना है और कितने इंच पर आप लोगों को पूरा टोटली तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं दीवार का, तो दीवार का देखिए हम लोग लेवल को करके कम्प्लीट कर दिया, देख सकते लेवल हुआ है। ये है लेवल, इधर दिखा देते हैं आप लोगों को, ये है लेवल, ये ठीक है। और लेवल कहाँ तक हुआ है आप लोगों को भी बता देते हैं। देखिए लेवल यहाँ लेवल करके कंप्लीट किया है, देख सकते हैं ये निशान लगाया है ना, यहाँ पे लेवल मतलब हो गया है, चारों तरफ से यहाँ पे लेवल हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पेंसिल का जो निशान है ये लेवल है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि लेवल ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेवल हमने कर दिया तो लेवल से हम लोग नाप लेते हैं कि कितना हमको रखना है। चलो नाप के दिखाओ इसको कितना है भाई, देख लीजिए, ये देख लीजिए 55 है ना, 55 है टोटल 55 है, देख सकते हैं। तो ये 55 इंच मतलब यहाँ से 55 हुआ तो सारे जगह से 55 हमको छत तक ले लेना है, बाकी ऑटोमेटिक उसका लेवल जो है निकल जाएगा। चाहे तो डायरेक्टली आप क्या करें कि आप डायरेक्टली लेवल कर सकते हैं, जैसे छत से हमको इतना डाउन 10 इंच डाउन करना है तो 10 इंच नाप दिया एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पर लेवल पाइप रख के वहां पर देख लेंगे जहां आएगा वहां तक निशान लगा सकते हैं। ये दो तरीका है आप लोग लेवल करने के लिए, एक नीचे लगा के नाप सकते हैं और दूसरा ऊपर ही कर सकते हैं। चलिए और तीसरा नंबर बात यह है कि दोस्तों इसको पट्टा बनाना है आप लोगों, तो पट्टा के भी हम लोग निशान लगा दिए हैं। तो पट्टे के निशान लगाए हैं 13 या 14 इंच पर पट्टे का निशान लगता है, बाकी 18 इंच पे बिल्कुल तैयार हो जाता है आपका पट्टा। मैं आपको दिखाओ इसको कितना है भाई, देखिए ये देख लीजिए, ये 13 इंच पे पूरा मार्क लगाए हैं हम लोग, इधर से भी 13 ही है, बाकी ये 13 है, बाकी निकालो पूरा 18 इंच तक निकालो। हाँ देखिए यहाँ 18 इंच है ना, यहाँ तक पट्टा तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का मेन जो लटकेगा जहाँ या फासनर लगाओगे आप यहाँ से लटकेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से आप लोग 5 इंच तैयार होगा ऊपर से, ताकि ये धार जितना बनेगा जो भी हम लोग काम करना है 13 इंच पे, मतलब जो मेन लटकेगा सूता 13 इंच पे ही लगेगा। तो पूरा आप लोग को सूता लगाते हैं, उसका आप लोगों को पूरा डिटेल का आप लोगों को दिखाते हैं। और जरूर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना क्योंकि इसमें आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगा अगर सेलिंग काम करते हो तो, ठीक है। तो गाइस ये देख सकते हैं कि पट्टा के निशान हम लोग लगाना शुरू कर दिए हैं, जिसपे पट्टा इसी के ऊपर से बनेगा। आप देख लीजिए पहले साइड साइड से निशान लगा रहे हैं भाई, इसके बाद से ऊपर से लगाएंगे निशान, इस पे पट्टा तैयार होगा आप लोगों को बिल्कुल। ये लेवल में इतना ही लेवल पर पट्टा आप लोगों का तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर से मतलब जो काम करना है थोड़ा सा ऊपर करेंगे 2-3 सूता, लेकिन तैयार पूरा लेवल से इतना ही होगा बस। वीडियो लिए चलिए हो गया। अब छत में लगाएंगे सेंटर का निशान, तो सेंटर निकाल लीजिएगा दोनों तरफ से और फिर सेंटर में एक निशान जो है लग गया, ये देख लीजिए पट्टा वाला छत पे जो जहाँ से आप लोगों का मेन लटकेगा 13 इंच पे जो आप लोगों को दिखाया निशान वही है, देख लीजिए इधर से। चलिए तो देख लीजिए कि ये दीवार वाला हो गया, ये छत वाला हो गया निशान। अब इसके ऊपर से जो भी आपका फास्टनर मेन जो लटकेगा इसी के ऊपर से लटकेगा, ये जो लेबल में जो आप लोगों को निशान लगाया गया है नीचे भी लेबल है पूरा, जो भी काम कीजिए लेबल के साथ कीजिए। चलिए ये चारों तरफ से निशान लगा दिया भाई ने, और अब इसके ऊपर से आप लोगों को सेंटर वाला डिजाइन निकालते हैं उसको दिखाते हैं आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि बीच में चौरस
बीच में चौरस बन गया है और साइड से जो है इसमें कुंभ बनेगा, ठीक है, बीच में चौरस वाला है ये डिजाइन। तो बाकी इसमें फास्टनर कहाँ कहाँ लगेगा बता दो थोड़ा भाई लोग को। फास्टनर यहाँ लगेगा, हाँ यहाँ लगेगा। कितना कितना इंच पर लगेगा फास्टनर? कितना इंच पर? कितना? दो दो फुट पे इंच डब्बा नहीं, इंच डब्बा से नापो इसका चौरस कितना है, चौरस कितना साइज है, यहाँ से यहाँ तक नापो कितना है? 32 इंची। 32 इंच में आपको दो फास्टनर देना है। तो देख लीजिए गाइस, 32 इंच में मतलब दो फास्टनर देना है। ये देख लीजिए, इधर 33 है, इसमें भी दो ही लगेगा फास्टनर, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक नापो, यहाँ फास्टनर लगेगा, यहाँ फास्टनर लगेगा ना, हाँ यहाँ लगेगा ना, एक यहाँ लगेगा 21 इंची। हाँ ठीक है, यानी दो फुट पे मतलब फास्टनर लगाना है, दो दो फुट पे, ठीक है। तो दो दो फुट पे फास्टनर लगाने से क्या होगा, ज्यादा मजबूती होगा, ठीक है। देखिए, अगर जो आप काम करा रहे हैं, चाहे आप लोग भाई कर रहे हैं, तो फास्टनर में कभी मत कीजिएगा, नहीं तो फास्टनर के चलते आप मतलब किसी का भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो फास्टनर में कमी मत कीजिएगा। और ये जो भाई साहब सुनील भाई देखा लगा रहे हैं, यहाँ पर लगेगा इनका मेन, ये मेन के लिए निशान लगा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को दिखा देते हैं कि जहाँ पे हम लोग क्रास भरेंगे साइड साइड से पटना में क्रास लगेगा, ये कितने इंच पे क्रास लगाना चाहिए, ठीक है। तो क्रास का जो साइज होगा, ये हम लोग यहाँ पे 14 इंच पर लगाते हैं क्रास। तो निशान मार के दिखाओ भाई लोग को थोड़ा, यहाँ से पहले 19 इंच के 18 इंच छोड़ते हैं, 13 इंच छोड़ा, देख लीजिए पहला 13 इंच छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद से 14 इंच देख लीजिए, 14 इंच पर क्रास लगाते हैं हम लोग। ज्यादा दूर क्रास लगाने से ये भी आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, आपका जो पट्टा है लटक जाएगा, ठीक है। तो जो भी काम कीजिए आप पूरा लेवल के साथ काम कीजिए, ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं 14 इंच पे पूरा जो क्रास यहाँ पे लगाएंगे। ये आप लोग को पूरा मार्क वीडियो आप लोग को दिखाया, लेकिन इसके ऊपर से जो डिजाइन बनेगा तब आप लोग को ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा, लेकिन ये जो मार्किंग आप लोग को दिखाया आप लोग देख लीजिए। बाकी इधर डब्बा बनेगा जो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो डब्बा बनेगा बाद में आप लोगों को देखो डब्बा वाला निशान भी लगा है, इधर दूसरा तीर लगा है, डब्बा के लिए बनाया है निशान। हाँ, फास्टनर वाला सुराग है 12 के बीट के साथ, सरिया पड़ गया यहाँ पे, सरिया है आगे पीछे करो, दूसरे जगह लगाओ, इधर आके लगा दो थोड़ा सा, आगे और आगे करता थोड़ा, उधर नहीं इधर बाहर करो, हाँ सरिया लंबा बाका यार ऐसे ऐसा बात हमारा, आओ बस यहाँ पर सरिया आ गया था, इसमें सुराग करने के बाद से ये आ गया फास्टनर आपका, फास्टनर एलपत्ती में डाल के उसको लगाएंगे, ठीक है। जितना आपको डाउन करना होगा उसी हिसाब से एलपत्ती और कटिंग हुआ है, देख सकते हैं एलपत्ती है और ये फास्टनर इसमें ठोक के और ये चाबी के साथ इसको टाइट करेंगे। Mm-hmm.
वीडियो। ये पट्टा के लिए सुराख किया जा रहा है, जो 14 इंच पर लगाया था निशान, पट्टा के लिए सुराख किया जा रहा है। इसमें डालेंगे गिट्टी, गिट्टी के ऊपर से लगाएंगे जो क्रास होती है। तो चलिए गिट्टी लगा के और क्रास लगा के आप लोग को हम दिखाते हैं। तो इसके लिए क्रास आप लोग काटना है, 18 इंच का पट्टा बनेगा तो 17.5 इंच का क्रास आप लोगों को कटिंग करना है पूरा 17.5 इंच पे। देख लीजिए बाकी साढ़े 18 इंच में कटेंगे ना तो 1 इंच जो है इधर मुड़ जाएगा आपका। 18.5 इंच में मतलब आपको क्रास कटिंग करना है जिसमें 1 इंच जो है आपका मुड़ जाएगा, ठीक है। और मुड़ने के बाद से यहाँ से आपका यहाँ तक मतलब पूरा यहाँ से और यहाँ तक 17.5 इंच होगा, ठीक है। और आधा इंच जो माल चढ़ा के धार दूर बनता है तो आधा इंच उसमें कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। येलो या गिट्टी और यह कील लगा के दिखाओ भाई लोगों को, वो सेंटर लगा सेंटर। तो सबसे पहले वाशर लगाइए गिट्टी और उसके बाद से जो आप देख सकते हैं जो पट्टे के लिए जो है भाई साहब जो सुराख उधर कर रहे हैं सुनील भाई, इधर से जो क्रास जो है भाई लगा रहा है इधर से देख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से पूरा साइड साइड क्रास लगाएगा और जहाँ पे वो 13 इंच पर निशान लगाए हैं ऊपर वहाँ से मेन लटकेगा, ठीक है। वहाँ से मेन लटकेगा और मेन के साथ ये अटैच हो जाएगा लेवल करके।